महाराष्ट्र की राजनीति से बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने ऐलान किए हुए उम्मीदवारों के नाम बदल सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि हेमंत पाटिल तहरीशील माने का पत्ता काटा जा रहा है। मुख्यमंत्री शिंदे ने 28 मार्च के दिन अपनी पहली लिस्ट जारी की थी। इससे पहले एकनाथ शिंदे ने अपने 8 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। इन 8 सीटों में से उम्मीदवारों को फिर से मौका दिया गया है। महाराष्ट्र की राजनीति से बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने ऐलान किए हुए उम्मीदवारों के नाम बदल सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि हेमंत पाटिल तहरीशील माने का पत्ता काटा जा रहा है। मुख्यमंत्री शिंदे ने 28 मार्च के दिन अपनी पहली लिस्ट जारी की थी। इससे पहले एकनाथ शिंदे ने अपने 8 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। इन 8 सीटों में से उम्मीदवारों को फिर से मौका दिया गया है। महाराष्ट्र की राजनीति से बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने ऐलान किए हुए उम्मीदवारों के नाम बदल सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि हेमंत पाटिल तहरीशील माने का पत्ता काटा जा रहा है। मुख्यमंत्री शिंदे ने 28 मार्च के दिन अपनी पहली लिस्ट जारी की थी। इससे पहले एकनाथ शिंदे ने अपने 8 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। इन 8 सीटों में से उम्मीदवारों को फिर से मौका दिया गया है।